हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एकदम सॉफ्ट दानेदार चिक्की या गुड़पट्टी की रेसिपी। कई बार हम चिक्की बनाते हैं तो बहुत हार्ड हो जाती है, जमती नहीं है, सेट नहीं हो पाती, पर आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ इस तरीके से आप जब भी मूंगफली की चिक्की बनाएंगे तो 100% एकदम परफेक्ट सॉफ्ट दानेदार बनेगी। और सिर्फ दो चीज़ों से आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गुड़पट्टी बनेगी और बच्चे हो या बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मूंगफली की गुड़पट्टी या चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई में डाले हैं 2 कप मूँगफली। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखना है और मूंगफली को हम रोस्ट करेंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मूंगफली जो है अच्छे से रोस्ट हो गई है। मूंगफली मार्केट में कई तरह से मिलती हैं, आप कोई भी मूंगफली ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि हमें इन्हें लो फ्लेम पर रोस्ट करनी है जिससे ये जले नहीं। तो यहाँ पर मूँगफली अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, तो जब तक हमारी मूंगफली ठंडी हो रही है तब तक हम इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो हमें इन्हें यहाँ 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना है, इनका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं होने देना है, बस हल्का सा सुनहरा कलर इनमें आ जाए, बस इतना ही हमें इन्हें 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मूंगफली ठंडी होने के बाद दोनों हथेलियों के बीच में हम मूंगफली के दाने रखेंगे और हथेलियों को रब करेंगे जिससे ये इस तरह से 2 टुकड़ों में हो जाएंगी और इनके सारे छिलके निकल जाएंगे। तो मैंने ये कर लिया है और इनको साफ़ कर दिया है। अब यहाँ हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे वापस से और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे, घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है तो इसमें हम डालेंगे गुड़। यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम गुड़ लिया है, अगर आप इसमें चीनी भी डालना चाहते हैं तो इसमें आप आधा गुड़ और आधा चीनी ले सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी हमारी गुड़पट्टी ये मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे। हमें इसकी चाशनी बनानी है पर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी की ही हमें ये चाशनी बनाकर तैयार करनी है। और ये चाशनी में हमें तार नहीं चाहिए, बिना तार वाली हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो इसे हम सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे, 1 उबाल आने देंगे। यहाँ हमें लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है, लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को मेल्ट होने देना है। तो ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट और पकाएंगे, जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम एक ट्रे या प्लेट में ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। जिस भी प्लेट या थाली में हमें चिक्की जमाना है उसमें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हमें यहाँ इसको घी से ग्रीस नहीं करना है, यहाँ हम इसे ऑयल से ही ग्रीस करेंगे। तो यहाँ प्लेट हमारी तैयार है, तो चलिए हम चाशनी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और 1 मिनट हमें इसे पकाते हुए हो गए हैं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को इस तरह हम चम्मच से उठाएंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम हाथ में लेंगे और इस तरह गोल गोल घुमाएंगे। अगर चाशनी हाथ में नहीं चिपक रही है और इस तरह से इसकी गोली बन रही है तो हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि चाशनी हाथ में चिपक रही है तो आप इसे और 1 मिनट पकाइए। तो यहाँ पर हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। तो इसमें हमने जो रोस्ट फली दाने किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। बस 1 मिनट हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, तो ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो यहाँ हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे जिस प्लेट में हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा है उसमें डाल देते हैं। यहाँ सारा मिक्स मैंने इस प्लेट में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से फैला देंगे।
ये मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको फैला दिया है। अब हमने यहाँ पर जो रोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल रखे थे वो हम इस पर फैला देंगे। सफ़ेद तिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, साथ ही जब हम इस तरह से इस पर चिक्की पर सफ़ेद तिल फैलाएंगे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप अगर मूंगफली के साथ सफ़ेद तिल भी डालना चाहते हैं तो आप इस चिक्की में डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेगी, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, ये हल्की सी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ की सहायता से इसमें कट लगा देंगे। जिस तरह के पीस आप कट करना चाहते हैं इसके, तो आप वैसे कट यहाँ पर लगा दीजिए। इसे हमें 5 मिनट बाद हल्का सा ठंडा हो जाए तभी कट लगाने होंगे, क्योंकि जब ये पूरे से जम जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी ठंडा होने के बाद, हम इसमें कट नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें इसे 5 मिनट बाद ही इसमें कट लगा देने हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में इसको कट कर दिया है। अब हम इसे पूरे 1 घंटे के लिए ठंडा होने को रखेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और 2 ही चीज़ों से ये बनकर तैयार हुई है, और हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर 1 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसके पीस निकल रहे हैं। यहाँ पर जब हम इनके पीस निकालेंगे तो हमें एक साइड से ही इसके पीस निकालने हैं, बीच में से हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब हम बीच में से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए हम एक साइड से ही एक एक करके इसके पीस निकालेंगे, जिससे हमारी चिक्की के सभी पीस अच्छे से निकल जाएं, अपने परफेक्ट शेप में ये निकलेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी चिक्की बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप ये चिक्की या गुड़पट्टी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच घी का यूज़ किया था, जिससे हमारी चाशनी बर्तन के तले में चिपके नहीं, और साथ ही हमारी जो गुड़पट्टी है, मूँगफली की चिक्की है, एकदम सॉफ़्ट बनकर तैयार हो। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर हमारी गुड़पट्टी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी गुड़पट्टी बनकर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये चिक्की की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी चिक्की कैसी बनी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट चिक्की बनकर तैयार हुई है, कितनी आसानी से टूट गई है। बहुत ही दानेदार, एकदम सॉफ्ट चिक्की बनी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए कि ये चिक्की की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।